सो गाइस, आज की वीडियो इतनी फाड़ू होने वाली है कि इसे अगर आप लोग कंप्लीट देख लोगे ना तो यार आप लोगों का दिन बन जाएगा, क्योंकि भाई इस वीडियो में इतनी पावरफुल डॉग स्पीड लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को काफी पसंद आएंगी। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं जो है बुल मस्टिफ, और इसके बाद जिन डॉग स्पीड के बारे में बात करेंगे वो है फ्रेंच मस्टिफ, अमेरिकन बुली, जर्मन शेफर्ड एंड डोबरमैन जैसी डॉग ब्रीड। और एक ब्रीड तो ऐसी है जिसे परचेज करने का मोस्ट लोगों का सपना होता है, वो है डॉग अर्जेंटिनो। सो भाई लोग, आप लोग इन बुल मस्टिफ पपीज की क्वालिटी देखिए, पपीज फैंटाबुलस क्वालिटी में है और ये चैंपियन लाइन से है। तो अगर आप लोगों काफी अच्छी क्वालिटी के बुल मस्टिफ पपीज चाहिए और वो भी काफी डिसेंट से प्राइस में, तो ये पपीज आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आई एम श्योर आप लोगों को इनका प्राइस काफी पसंद आएगा, लेकिन इनके प्राइस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को इनकी मदर से मिलवाना चाहूंगा। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है। यार इसकी क्वालिटी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिंपली अल्टीमेट क्वालिटी है। बाकी फादर की फोटो वीडियोस आप लोगों को पर्सनली मिल जाएंगी। तो भाई अगर इन बुल मस्टिफ पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 38 डेज के हो चुके हैं, और इनका जो प्राइस है वो मेल का 20,000 पीस 20,000 रुपए एंड फीमेल का 17,000 पीस यानी 17,000 रुपए। तो बुल मस्टिफ के बाद बात करते हैं फ्रेंच मस्टिफ के बारे में। भाई ये भी एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है और ये चीज आप लोगों को इनके नाम से ही पता लग जाता है। तो वैसे फ्रेंच मस्टिफ आप लोगों को एक ही कोट कलर में मिलते हैं जो है मोहगनी, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनकी आईज का कलर भी काफी यूनिक सा होता है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंच मस्टिफ पपीज आप लोगों को फुल ऑफ रिंगल्स के साथ मिल जाएंगे। पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में है और इनमें आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे। वैसे इनके फेस पर जो रिंकल्स होते हैं ना, यही इनकी प्योरिटी की निशानी होती है। तो पपीज की क्वालिटी में आप लोगों को पूरे लाइफ टाइम की गारंटी मिलेगी कि क्वालिटी में आप लोगों को सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आएगी। वैसे ये जो पपीज हैं ये 35 डेज के हो चुके हैं, और इनका जो प्राइस है वो मेल का 22,000 पीस 22,000 रुपए एंड फीमेल का 19,000 पीस यानी 19,000 रुपए। तो भाई अब बात करते हैं बहुत ही फेमस पावरफुल एंड मस्कुलर डॉग ब्रीड के बारे में जो है अमेरिकन बुली। और आज जो अमेरिकन बुली पपीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इनकी क्वालिटी देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और पपीज जो हैं ये ब्लू आईज में हैं। तो भाई जो लोग प्रॉपर ग्रे कलर में अमेरिकन बुली लेना चाहते हैं वो भी ब्लू आईज के साथ, और साथ में आप लोगों को जो पैरों पर स्ट्रोक्स के निशान होते हैं वो काफी ब्यूटीफुल लगते हैं, वो भी आप लोगों को इस पपी में देखने को मिलेंगे। तो ये अमेरिकन बुली पपीज पॉकेट साइज में, जो कि काफी डिमांडेड साइज है, मोस्ट लोग इसी साइज को परचेज करना पसंद करते हैं। वैसे आप लोगों को सभी साइजेस मिल जाएंगे, इवन डबल एक्सेल साइज भी। तो अमेरिकन बुली काफी हैवी डॉग ब्रीड है और ये काफी रफ एंड टफ भी होते हैं, जो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। तो इनके कलर और साइज में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप लोग अपने फेवरेट कलर और अपने फेवरेट साइज को आसानी से परचेज कर पाओगे। वैसे ये जो पॉकेट साइज के पीस हैं ये 40 डेज के हो चुके हैं, और इनका जो प्राइस है वो मेल का 14,000 पीस 14,000 रुपए एंड फीमेल का जस्ट 12,000 पीस यानी सिर्फ 12,000 रुपए। तो नेक्स्ट बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में। दोस्तों जर्मन शेफर्ड में भी आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आई मीन इनके कोट को लेकर। आप लोग डबल कोट को भी परचेज कर सकते हो और लॉन्ग कोट को भी, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे ही परचेज करना पसंद करते हैं। तो पपीज फुल हैवी बोन है, डार्क कलर में है, और ब्लैक मास्क भी आप लोगों को मिल जाएगा जो कि मोस्ट लोगों का फेवरेट होता है। तो भाई अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड पपीज परचेज करने हैं तो भाई पपीज आप लोगों के सामने हैं। तो जितने पैसे आप लोग इन जर्मन शेफर्ड पपीज को परचेज करने में लगाओगे ना, तो क्वालिटी आप लोगों को उनसे कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगी। बाकी जर्मन शेफर्ड एक ऑल टाइम फेवरेट डॉग ब्रीड है, जिन्हें आप लोग कभी भी सेल और परचेज कर सकते हो। वैसे ये जो पपीज हैं ये 35 डेज के हो चुके हैं, और इनमें जो मेल का प्राइस है वो है 12,000 पीस 12,000 रुपए एंड फीमेल का है जस्ट 10,000 पीस यानी सिर्फ 10,000 रुपए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं अमेरिकन बुली पपीज के बारे में। वैसे ये जो पपीज हैं भाई ये माइक्रो से भी छोटे यानी नैनो साइज में है, जिनका प्राइस काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन भाई आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिसेंट से प्राइस में ये पपीज लेकर आया हूँ। तो ये अमेरिकन बुली का सबसे छोटा साइज है और ये बहुत ही मस्कुलर भी होते हैं, और ये चीज आप लोगों को इनके पेरेंट्स को देखने से पता लग जाएगा। तो इनको कहीं रखने से पहले आप लोगों को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग कम से कम स्पेस में इन्हें कंफर्टेबली रख सकते हो। तो एक बार मैं आप लोगों को इन पपीज के पेरेंट्स से ही मिलवा देता हूं। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में है, और कितना छोटा साइज है ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और यार मदर देखिए, मदर तो और भी फाड़ू क्वालिटी के, भाई ऐसी क्वालिटी का कॉम्बिनेशन आप लोगों को इन पपीज में मिल रहा है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जो नैनो साइज के पपीज हैं ये 40 डेज के हो चुके हैं, और इनका जो प्राइस है भाई वो मेल का है 22,000 पीस 22,000 रुपए एंड फीमेल का है जस्ट 20,000 पीस यानी 20,000 रुपए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं काफी पावरफुल डॉग ब्रीड के बारे में, जो कि प्योर व्हाइट कलर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्टली लोगों का सपना होता है इस डॉग ब्रीड को परचेज करने का। क्योंकि भाई अगर गार डॉग ब्रीड की बात करें तो भी ये परफेक्ट है, पावरफुल डॉग ब्रीड की बात करें तो भी ये परफेक्ट है, और बॉडी स्ट्रक्चर तो भाई इतना तगड़ा होता है कि आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ डोगो अर्जेंटिनो के बारे में, जो कि एक फीमेल पपी है। वैसे डोंट वरी, आप लोगों को मेल पपीज भी मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस फीमेल पपी के बारे में ही बात करूंगा। तो क्वालिटी फीमेल की बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे पर्सनली आप लोगों को इसके पेरेंट्स की फोटो वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ये जो डॉग अर्जेंटिनो फीमेल है ये 36 डेज की हो चुकी है, एंड इसका जो प्राइस है भाई वो है जस्ट 14,000 पीस यानी सिर्फ 14,000 रुपए।
तो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक काफी एक्टिव एंड एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है डोबरमैन। दोस्तों डोबरमैन को बहुत से लोग मानते हैं कि ये काफी अग्रेसिव होते हैं, जबकि यार ऐसा नहीं है। माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छे प्रोटेक्टिव डॉग्स होते हैं और स्ट्रेंजर्स इन्हें पसंद नहीं होते, इसी वजह से स्ट्रेंजर्स के ऊपर ज्यादा बार करते हैं और लोगों को लगता है कि ये अग्रेसिव है। वैसे ये डोबरमैन एक सेमी एडल्ट डॉग है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, इसकी सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट है एंड कार्ड भी शायद आप लोग को साथ में मिल जाएगा। तो इस चीज के डॉग को परचेज करने के बाद आप लोग को कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि सभी चीज कंप्लीट होती है और आप लोग को इनकी ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी के लिए ये जो डोबरमैन है ये बहुत ही बढ़िया है। अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो 10 मंथ्स का हो चुका है और इसका जो प्राइस है भाई वो है 11,000 पीस, यानी सिर्फ 11,000 रुपए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं अमेरिकन बुली पपीज के बारे में। लेकिन गाइस ये जो अमेरिकन बुली पपीज है ये आप लोगों को काफी रेयर साइज में मिलेंगे जो है डबल एक्सल साइज। जी हाँ गाइस, ये डबल एक्सल साइज के पपीज हैं जिनके मदर और फादर दोनों के दोनों चैंपियन हैं। तो इनमें आप लोग को मेल पपीज और फीमेल पपीज दोनों ही मिल जाएंगे। तो अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो 2 मंथ्स के आसपास हो चुके हैं और ये सभी डॉग्स फीड आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएंगे और हमारी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड ऑफकोर्स आप लोग घर बैठे बैठे कहीं पर भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को सेफली पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी मिल जाएगी लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। या फिर आप लोग डायरेक्ट आकर भी परचेज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, बस आप लोग एक छोटा सा टोकन अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली इन डबल एक्सल साइज के पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज फैंटेबलस क्वालिटी में है। तो इनका जो प्राइस है वो मेल का 22,000 पीस 22,000 रुपए एंड फीमेल का 19,000 पीस यानी 19,000 रुपए। लेकिन गाइस सभी डॉग्स के प्राइस में आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।